सहबाज गिल कहते हैं सिंध हुकूमत ने प्रेशर में आकर गलत फैसले किए। जितना सामान दिया उन्होंने गैर मयारी करार देकर वापस कर दिया। नतीजा मनफी आने पर इसका मलबा विफाक पर डालने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई रहनुमा की साई सरकार पर गोलाबारी। कहते हैं मुराद अली शाह सिर्फ मीडिया पर ऐलानात से नहीं बल्कि अपने अमल से खुद को लीडर साबित करें। जितना भी सामान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को बांध दिया गया, हर सामान को ये कह के वापस किया गया कि वो खराब है, और अब आप देख सकते हैं कि वही सामान फेडरल में और दूसरे सूबों में यूज हो रहा है तो वो बिल्कुल ठीक है। तो बुनियादी तौर पर जो इन्होंने फैसले किए सियासत करने के लिए, उनके रिजल्ट गलत निकले, क्योंकि वो प्रेशर में आके फैसले किए थे। मुराद अली शाह साहब प्रेशर नहीं ले सके और प्रेशर में आके इन्होंने सियासत करने की कोशिश की और गलत फैसले किए। उनका क्योंकि अब नतीजा सिफर और नेगेटिव आ रहा है, तो अब ये कोशिश की जा रही कि इसका मलबा वफाक पे डाला जाए। इसी सिलसिले में मैंने कोई इनके ऊपर सिर्फ तनकीद करने के लिए स्टेटमेंट नहीं दी, ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड दुरुस्त रखने के लिए दी है कि ये अपने फैसले खुद लेते आए हैं। अभी भी 18वीं तरमीम के मुताबिक अपने फैसले खुद ले सकते हैं। ये हरगिज अपना मलबा वफाक की कारकर्दगी पर डालकर, अपनी कारकर्दगी का मलबा जो इन्होंने नहीं की उसका मलबा वफाक पे डालकर पतली गली से निकलने की कोशिश ना करें। इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट दिया है ताकि ये बात रिकॉर्ड पर रहे।